नमस्कार दोस्तों, कुंडली भाग्य का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प देखने को मिलता हुआ नजर आने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस समय पूर्ण रूप से इल्जाम लगाते हुए नजर आ रहे हैं आखिरकार लगातार सौर्य और निधि, वो भी राजवीर के खिलाफ। क्योंकि दोस्तों राजवीर के खिलाफ जो इस समय प्लानिंग हो रही है वो बहुत ही घटिया तरीका से ये लोग प्लानिंग कर रहे हैं। वहीं बात की जाए इस समय शौर्य की, तो शौर्य बहुत ही घिनौना और गिरा हुआ काम तो वो पहले से ही करता हुआ नजर आया है, लेकिन इस बार जो उसका एक अपना एक राय है, क्योंकि उसने सोच लिया है कि किसी भी तरीका से वो इस समय राजवीर को सब लोगों के सामने चोर साबित कर देगा। क्योंकि दोस्तों चोर भी ऐसा नहीं बल्कि एक अलग तरीका से चोरी, और उसके बाद में निधि बोलती हुई नजर आने वाली है कि हम जानते हैं कि इस घर में अगर कुछ चुरा सकता है तो वो कोई और नहीं बल्कि राजवीर ही चुरा सकता है। यानी राजवीर के ऊपर जैसा चाहे वैसा इल्ज़ाम लगाने की ये लोग बल्कि बहुत बड़ी कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जल्द ही आप लोगों के बीच में कहानी एक नहीं बल्कि इस समय कई अलग से और भी ट्विस्ट लाती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि दोस्तों राजवीर के ऊपर अगर इल्जाम की बात की जाए तो इस समय इल्जाम लगते हुए नज़र आ रहे हैं ताकि लूथरा परिवार इसे लुकाड़ कर फेंक दे। निधि यही चाहती है, क्योंकि अगर राजवीर यहाँ से जाता है तो उसके बाद में प्रीता से आमना सामना नहीं होगा। ये बहुत बड़ी प्लानिंग है इस समय निधि की, क्योंकि निधि चाहती यही है कि किसी भी तरीका से इन लोगों का एक अपना यहाँ से निकलने का रास्ता बन जाए। साथ ही दोस्तों निधि को ये भी पता है कि अगर मेरी करतूत इन लोगों को पकड़ी गई तो मैं जल्द ही इस घर से बाहर हो जाऊंगी, इसलिए मेरी करतूत पकड़ी भी नहीं जानी चाहिए। इसलिए वो सभी काम लगातार जो करवा रही है वो शौर्य के कंधे पे बंदूक रख के चलाती हुई नज़र आ रही है। साथ ही दोस्तों मेरा नाम है रोहित नागर, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें एंड कॉमेंट करके आप लोग मेरे को ज़रूर बताइए गाइज़ आपको मेरी वीडियो आखिर कैसे लगती हैं।